रुक कर लेते हैं लोकसभा का, जहां माधुरी स्वराज कुछ कह रही, क्या कुछ कह रही सुनवा देते हैं आपको। कराती है 20 से 25 मिनट लगते हैं चूल्हा सुलगाने में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देके मात्र शक्ति को धुएं की जिंदगी से निजात दी। हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक एक को मात्र शक्ति ने सिखाई। आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है, अरे उन चोरी के पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है। लेकिन कितनी अचंभे की बात है अध्यक्ष जी, जिस मात्र शक्ति ने देश को बचत सिखाई उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश की मात्र शक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बनाया। अध्यक्ष जी 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जिसमें से 56% महिलाओं के खाते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल ऋण जो सैंक्शन हुए हैं उसमें से 69% महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। इसी तरह स्टैंडअप इंडिया के तहत अध्यक्ष जी 84% ऋण महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के माध्यम से, वो तो पहले ही लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा। अध्यक्ष जी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी लाए हैं नमो ड्रोन दीदी। मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पायलट बनेंगी। न केवल इससे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ये देखिए